नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। रवि दिन महाअष्टमी नवदुर्गा भवानी के महागौरी देवी के विशेष पूजा आराधना कैल जा रहा। महाअष्टमी के दिन मधेश तथा मिथिलांचल के महिला सब द्वारा शक्ति के सब में खोइच भरल गेल। जनकपुर धाम में दशई के रौनक, चौक चौक में नवदुर्गा भवानी के भव्य पंडाल निर्माण कैल गेल। निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा पकड़ा। नेपालगंज से जुमला दिस जा रहल जीप दुर्घटना, एक के मृत्यु, नौ गोटे घायल। आप समाचार विस्तार से। रवि दिन महाअष्टमी अर्थात नवरात्र के आठम दिन हिंदू सबक देवी शक्ति स्वरूपा नवदुर्गा भवानी के नौटा स्वरूप में से महागौरी देवी के पूजा आराधना कैल जा रहा है। महाअष्टमी के दिन दुर्गा भवानी के शक्तिशाली मानल गया से अय के विशेष महत्व रहा है। महागौरी के पूजा करते विभिन्न शक्तिपीठ सब में बलि देवाक प्रचलन है। महागौरी माता दुर्गा के आठम शक्ति के नाम रहा है। अहि दिन महाकाली, महालक्ष्मी आ महासरस्वती के विशेष पूजा आराधना कैल जाते है। महागौरी के पूजा कला से सब पाप से मुक्ति मिलवाक विश्वास हिंदू संप्रदाय में रहा है। महागौरी देवी पार्वती के रूप में भगवान शिव के पति पावक कठोर तपस्या केने छली। महाअष्टमी के दिन महिला अपन पति व्रत के लेल महागौरी के वस्त्र चढ़वत है। देवी महागौरी के पूजा विधि विभिन्न समुदाय अनुसार अलगे अलगे रहल है। अष्टमी के दिन महागौरी के बलि चढ़ाओल जाते है। महागौरी के बलि चढ़ौला बाद मात्र घर में दशई के रौनक शुरू होते है। आजुक दिन मांसाहारी हिंदू धर्मावलंबी सब अपन अपन मानल अनुसार घर घर में खसी, पारा, सुगर, मुर्गा, हाँस, भेड़ा, चंगरा इत्यादि चढ़ौना चढ़ा मांस प्रसाद के रूप में ग्रहण कैल जबाक है। एम्हर शाकाहारी सब दही, केरा, चूड़ा, घी इत्यादि प्रकार खा कर पावन मनबित है। अहि बीच मधेश तथा मिथिलांचल के महिला सब शक्तिपीठ सब में खोइच भरलक है। खोइच भराई नवरात्र में संतान आ पति के जीवन रक्षा के लेल करबाक विशेष पूजा है। महिला सब सप्तमी अर्थात शनि दिन राति से अष्टमी अर्थात रवि दिन दोपहर से खोइच भरलक है। फूलपाती के विधि संपन्न भेला बाद विवाहिता महिला दुर्गा भगवती के आगा साफ वस्त्र बिछा वही ऊपर पान, सुपारी, नारियल, सुंदर सिंदूर, चूड़ी, श्रृंगार के सामान, नैवेद्य, चुनरी के संगे पूजा सामग्री राखि कऽ खोइच भरबाक परंपरा अछि। खोइच भरऽ सँ एक दिन पहिने नहा कऽ खायल जाइत अछि। सप्तमी तिथि के दिन माता के खोइच भरला उपवास बैसबाक नियम रहल अछि। माता के खोइच भरला बाद कतेको व्रतालु महिला खाना खाइत अछि, तहिना कतेको गोटे फल फूल मात्र ग्रहण करैत अछि। मिथिलांचल मे नव विवाहिता महिला के नैहर सँ विदाई करबाक क्रम में अपन कुल देवता लगायत संपूर्ण परिवार के आशीर्वाद स्वरूप खोइच देबाक परंपरा अछि। महाअष्टमी के दिन रवि दिन जनकपुर धाम स्थित मुख्य शक्तिपीठ से मानल गेल राजदेवी मंदिर सहित विभिन्न शक्तिपीठ में भोरे से भक्तजन के भीड़ देखल गेल। रविक मध्य राति से माता राजदेवी के लड्डू, पेड़ा, निष्ठान, नारियल, चुनरी, आँप, फल फूल सहित के प्रसाद चढ़ेबाक महिला तथा पुरुष दर्शनार्थी के अलगे अलगे लाइन देखल गेल। संगे जनकपुर धाम सहित देश आ प्रदेशक और विभिन्न शक्तिपीठ सब आ अस्थायी रूप में बनाओल गेल माता दुर्गा के पंडाल सब में सेहो प्रसाद चढ़ेबाक लेल भक्तजन के भीड़ देखल गेल। माता राजदेवी के मंदिर में व्यवस्थापन के जिम्मेवार रहल महावीर युवा कमेटी से पहुनका वर्ष जका अही वर्ष सेहो प्रसाद चढ़ेबाक लेल लाइन व्यवस्थापन कैल गेल। महिला पुरुष लाइन व्यवस्थित कैल गेला से सहज तरीका से प्रसाद चढ़ेबाक वातावरण बनल। अही बीच आइए सबोका बलि के सेहो शुरू भेल। एखन हमरा सबके जानकारी प्राप्त अनुसार बोका बलि के शुरुआत भ चुकल। अहि बीच हमरा सबके साथ में प्रत्यक्ष संवाद कर के लेल राम युवा कमेटी के अध्यक्ष संतोष शाह जी साथ में हुनका संगे बुझै छी जे एखन आब राजदेव मंदिर के अवस्था की रहल छै आ जे बोकावली के जे छै अवस्था। संतोष जी स्वागत है अहाँ के। की छै एखन बोकावली प्रारंभ भेलै यऽ, कतेक रसीद कटायल छै ताहि बारे में पहले जानकारी करायल जाउ। धन्यवाद। हम राम युवा कमेटी के लिए माम युवा कमेटी के अध्यक्ष बोकावली
अच्छा लाइन व्यवस्थापन के जो यदि बात करी तो की व्यवस्था कैल गेल छै संतोष जी? लाइन व्यवस्थापन हमर सब के ई चल प्रागण के और राम राम मंदिर के भीतर के हमर सब के अभी बेकर व्यवस्थापन करे के जिम्मा रही तो बाहर उनके बाहर में रामिया कमेटी के और उनसे आगे गणपुर के विभिन्न क्लब सब है ओकर सब के भी हम सब कोऑर्डिनेट करके ओकर सब के जिम्मा में देले रही छी। वो सब व्यवस्थित कर दी। कतेक अंदाज लगाया जा सके छै जे एहि बेर कतेक बोकाबली के संख्या जा सके छै? पिछले पिछले वर्ष में आके 14,972 गो के रिकॉर्ड हमरा सुनने रहे। सेंचुरी के हम सब 16,500 के आरआरी में जति से हम सब जान मान। अच्छा जे बलि प्रदान कर जे श्रद्धालु सब अभिषेक बड़ देर लाइन में रह पड़े छै हुनकर सब के पीवा वाला पानी ना शौचालय के व्यवस्थापन के की केना काज कैल गेल छै या पर छोड़ देल गेल छै? पानी पानी हम तो सुबह से निशुल्क हमर के प्रसादियों वाला लाइन में निशुल्क पानी के वितरण रहले है और अभियो पानी की व्यवस्था के लिए जगह जगह पर साथ शौचालय के लगी हमर के राम मंदिर के उत्तर साइड में एगो सॉरी दक्षिण साइड में शौचालय है ओकरा ओय लग हम सब आई के मतलब भेट रखे के लगे सीढ़ी के लिए चहल पहल के चाप के मद्देनजर करे तो कौन कौन रास्ता सब एखन रोकल गेल छे पैदल मात्रे चल देल गेल छे? हम सब ज्यादा सुबह में तो प्रसादी के लाइन में बहुत रास्ता सब रोक ले रही लेकिन बलि प्रथा के लगी हमर सब के रूट जे निर्धारण है एहि में हम तो सीधा राजदेवी मंदिर के मेन गेट और राम मंदिर के मेन गेट है वो जो मात्र प्लॉट पहले थी रोड आगे सब चालू है और राम महावीर चौक के तरफ रोकल गेल थी रोड के ताकि वही मान लाइन हमर भीतरी महावीर कमेटी के हो के शुक्रबाड़ी बाजार के तरफ जाइए तो उमर के रास्ता शुक्रबाड़ी बाजार तक कहीं ब्लॉक हो। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी यहाँ के। धन्यवाद। अष्टमी के दिन रवि दिन बीरगंज स्थित गहवा माई के मंदिर में भोरे से दर्शनार्थी के भीड़ बढ़ल है। महाअष्टमी के दिन बलि चढ़ेबाक परंपरा रहला से रवि दिन हिंदू धर्मावलंबी सब अपन अपन मानल अनुसार खसी बोका हाँस मुर्गा परवा लक गहवा माई मंदिर में बलि चढ़ेबाक तैयारी में जुटल है। हरेक वर्ष अ मंदिर में नेपाली हिंदू सबक संग संगे भारत बिहार से हो दर्शनार्थी के संख्या देखल जाते। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम विश्रामक बाद जनकपुर धाम में दशई के रौनक चौक चौक में नवदुर्गा भवानी के भव्य पंडाल निर्माण किया गया। निवर्तमान सभा में कृष्ण बहादुर महरा पकड़ायल नेपालगंज से जुमलादेश जा रहा जीप दुर्घटना एक के मृत्यु 9 गोटे घायल। विजयादशमी के रौनक देशे भर छायल है लेकिन तराई मधेश में तो और तामझाम के संग मनायल जा रहा है। प्रदेश दू के राजधानी जनकपुर धामक चौक चौक में शक्तिपीठ सब आ निर्माण कैल गेल अस्थायी भव्य पंडाल में माता नवदुर्गा भवानी के पूजा आराधना के लिए दर्शनार्थी सब के भीड़ देखल जा रहा है। साँझक मनमोहन दृश्य भक्तजन के आकर्षित कर सफल भेल है। एक रिपोर्ट। ई दृश्य सब जनकपुर धाम में एकन रौनक में रहल विजयादशमी के अवसर के अछ। एत के प्रमुख शक्तिपीठ जनकपुर धाम स्थित माता राजदेवी मंदिर सहितक शक्तिपीठ सब आ चौक चौक में युवा क्लब आ स्थानीय सब निर्माण केने भव्य पंडाल भीतर माता नवदुर्गा भवानी के पूजा आराधना के लेल घटस्थापने से एत श्रद्धालु आ दर्शनालु सबक भीड़ भाड़ लागि रहल अछ। रवि दिन अष्टमी तिथि के अवसर में जनकपुर धाम के माता राजदेवी माता बौदी आ माता अन्नपूर्णा अमरखाना सहितक विभिन्न शक्तिपीठ सब आ मंदिर सब में लड्डू नारियल चमकैत लाल चुनरी फल फूल सहितक प्रसाद चढ़ाव दर्शनालु सब के लंबा भीड़ भाड़ देखा में अबित।
शनि दिन राति में 12:15 से मंदिर प्रवेश में खुला कल गला के बाद प्रसाद चढ़ाव वाला भक्तजन सब के लंबा महिला पुरुष के अलग अलग करीब 1 किलोमीटर धर के लाइन देखल गेल। लाइन में लागल संपूर्ण भक्तजन लोकन रवि दिन बेरिया धर प्रसाद चढ़ेबाक आ मंदिर व्यवस्थापन के जिम्मा बने श्री महावीर युवा कमेटी के अनुसार माता राजदेवी मंदिर में रवि दिन साँझ में 7:30 से सोम दिन भोर 3 धर बोका बलि प्रदान कल जाए। छागर चढ़े वाला के लगी कल 7:30 से हमारे कार्यक्रम चालू भ जाते अपन अपन छागर आ लड्डू चढ़ाए वाला दोनों को अपन अपन लाइन एक बहुत व्यवस्थित हम सब कैले वही लाइन में आके लग जाए और अपन अपन प्रसादी और छागर के समय में आके चढ़ा ले। माता राजदेवी मंदिर देश में सर्वाधिक बोकावली प्रदान होने वाला मध्य के एक मुख्य शक्तिपीठ है। बोकावली प्रदान करवाक लेल भक्तजन लोकन रवि दिन दुपहरे से लाइन लागल लागल कतेको शक्तिपीठ समेत रवि दिने से बोकावली प्रदान के काज शुरू कल गए। कतेको शक्तिपीठ में अपन अपन विधि विधान अनुसार बोकावली प्रदान भ रहा है। माता राजदेवी मंदिर में मात्रे प्रत्येक वर्ष करीब 15,000 के हाराहारी में बोकावली प्रदान कल जाए। ऐसा आगू शनि दिन सप्तमी तिथि के दिन तीनों तरह के सुरक्षाकर्मी के झांकी आ परेड सहितक तामझाम के साथ फूलपाती सम्पन्न भेल छल। ओहि अवसर में पुलिस 6 तोप के सलामी समेत अर्पण कयने छल। जानकार सभक अनुसार विजयादशमी परापूर्व काल से परंपरा के रूप में चलत आयल नारी शक्ति के पूजन के रूप में रहल एक बुझब जरूरी रहल ओ सब बतबे छथि। विजयादशमी के नारी पूजा के रूप में बुझल गेल त देश में नारी के सम्मान अपने होब लगबाक हुनका सबके कहब है। शक्ति के रूप में नारी शक्ति के एक पूजन के परम्परा वास्तव में हमसब समाज बुझी नहीं कहे देवी के पूजा करी छी कोई ठाम कहै छी जे देवता के पूजा करी छी लेकिन ई नहीं बुझै छी जे संपूर्ण समाज जे छै से नारी के शुरुए से शक्ति के रूप में पूजित रहलै है ओकरा सम्मान करैत रहलै है। ई सम्मान के कायम छै एखनो तो ओकरा हमसब अपना दोसर रूप में लऽ रहल छी। ई पूजा दुर्गा पूजा जे छै वास्तव में नारी शक्ति के पूजा छै हमरा सबके बीच में हुनकर महिमा के बात छै जे हुनका माध्यम से सुख शांति के बात होइ छै। जनकपुर धाम सहित धनुषा जिला मात्र नहीं भा प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला के मुख्य शक्तिपीठ सहितक धार्मिक स्थल सब में एखन श्रद्धालु भक्तजन सब के भीड़ भाड़ छ। शक्तिपीठ आ मंदिर एवं पंडाल सब के दुल्हिन जका श्रृंगारल गेल छ। ओत जरान कल गेल झिकमिकिया विद्युतीय बत्ती सब से गली गली सजल छ। साँझ में मनमोहक दृश्य देख के लिए दर्शनालु सब के प्रत्येक साँझ में भीड़ भाड़ लगते है। एत के युवा क्लब सब प्रत्येक वर्ष विजयादशमी में तामझाम करबाक काज करते है। युवा सब के ई कदम परंपरा बचेबाक लेल महत्वपूर्ण योगदान रहल रहितो युवा सब एहन धार्मिक आयोजन के साथ साथे सामाजिक आ प्रगतिशील काज सब समेत अग्रसरता देखाब आवश्यक रहल कतेको के धारणा है। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह जनकपुर धाम। दशई अवधि भर मिथिला क्षेत्र में मैथिल समुदाय से प्रस्तुत कयल जाय वाला झिझिया नृत्य के अपन अलगे मौलिकता पहचान आ इतिहास है। बरल आय के घैला लक नृत्य केनाय अपने साहस आ कला के अलौकिक प्रदर्शन है। झिझिया नृत्य समाज रूपांतरण के क्रम में रहल समय ई लोक नृत्य एखनो गाम घर में मात्र नहीं भ शहर में सेहो प्रचलन में है। एक रिपोर्ट। ई मिथिला क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य झिझिया है। मिथिला क्षेत्र में झिझिया नृत्य नवरात्रि महोत्सव के थप आकर्षक बनबत है। लोक नृत्य के जीवंत राख आ मनोरंजन के लिए मात्र नृत्य के लेल जेबाक अवस्था रहल रहो तो एकर अपने मौलिकता आ पहचान है। बाल बच्चा से लक युवा आ अधवैसे धैर अ नृत्य में सहभागिता जनबत छथि। आग बढ़ रहा घैला सब अपन माथ पर धक नृत्य केनाई अपने में एक नमहर कला के प्रदर्शन केनाई है। नृत्य के बेर में
डायन के एकदमे गायर पढ़ल जाते हैं। डायन अपन तंत्र सिद्धि अर्थात शक्ति प्राप्त करबाक समय विजयादशमी भेला से डायन के शक्ति छीन कर के लिए ई नृत्य कैल जाते जनविश्वास है। नृत्य कर रहल अवस्था में घैला के भूर सब यदि डायन गण सफल भ गेल तो नृत्यांगना के मृत्यु होबाक मान्यता से समेत नृत्य के समय नृत्यांगना सब स्थिर नहीं होइत छथि, ओ सब घुमैत रहै छथिन आ नचैत रहै छथिन। समाज में डायन के उपस्थिति रहल कहित सातम आठम शताब्दी दिस पुरखा सब डायन के विरुद्ध में प्रतिकार करबाक उद्देश्य से आश्चर्यजनक झिझिया नृत्य के शुरुआत केने विश्वास है। जहिया पाँचम छठम शताब्दी के बाद से वही समय के गप से एकदम हम सब मालिनी कल्ट कहें और कहे तंत्र मंत्र के बाद से जिठाम डायन जोगिनी के बहुत प्रभाव रहे, घर घर में लोग आतंक रहे, धियापुता के शमशान घाट में जगा कर मैंने कोड़ गाड़ल जाए बच्चा सब कोड़ के ओहिठाम नचाओल जाए नाचल जाए तो वो समय में देखने रहे बहुत लोग प्राचीन लोग सब कहे जिठाम घटना सब से तेहन भय कि पूर्ण जो समाज छे तई समाज के मुक्ति देव के लिए और शांति करे के लिए लोक परम्परा शुरू करे झिझिया जैमे देवी के स्तुति सेहो कैल जाए छन आ संग संग डायन जोगिन के गाइड पढ़ के ओकरा निरुत्साहित ओकरा हतोत्साहित कैल जाए समाज में तई ढंग के दू रंग के गीत के परम्परा है तो वो एक विधि अनुसार से घेल रहे से घेल के मानल गए कहल जाए जो जँ गई लेते छेद बनाओल जाए में दिया पड़ित रहे प्रकाश बाहर में जाए अन्य और रूप है आत्मा से हम सब जोड़े लेकिन सबसे पैघ बात है जो प्रकाश के नहीं मैंने छेद नहीं गिन सकै तो नाचा पड़े घूमित रहे तो वो सब एक प्रतीकात्मक रूप में जैन मैंने बुझे गलत प्रवृत्ति के या दायन जोगिन के प्रभाव से निरुत्साहित कर के लिए झिझिया परम्परा शुरू हो। मिथिला क्षेत्र में बोलीचाली में दशहरा कहल जाय वाला विजयादशमी पावन के पुराना लोक परंपरा हरायत जा रहा है। दशमी शुरू भेल लगले नगर गांव बस्ती में बाजे वाला ढोल नगारा आ बस्ती बस्ती में कैल जाय वाला झिझिया नृत्य देख आ कर सेहो छोड़ला के बाद राष्ट्रीय महत्व की पावन में स्थानीय लोक परम्परा हरायत जा रहा है। दशहरा लगला के बाद सत्य युग में देवी दुर्गा से पराजित भेल दुष्ट आत्मा टोल बस्ती में प्रवेश कर सर्वसाधारण के दुख देव सकते रूढ़ी विश्वास के आधार में वही आत्मा सब के प्रवेश कर वंचित करबाक लेल मिथिलानी लोकन राति में जाग कर ग्राम देवता के पुकार करैत गाबे वाला गीत आ नृत्य के झिझिया कहल जात नाच के परम्परा से अखन शास्त्रीयता या कही या सामाजिकता कही चाहे लोक परम्परा कही वो सब समाप्त हो गए आ आब तो एकदम मंचीय बना दिल गया है आब सोचे ठाम तो शादी बना लेलक नशे जाए तो बुझू कि शेष के रूप में अखन से लेकिन ओहू में हम एक बुझे लोक परम्परा के हिसाब से एक दुर्गा जी के आराधना के बहुत सबल पक्ष से जे ग्रामीण क्षेत्र से गाँव के महिला लोगन पुरुष तो अपना ढंग से करे अपने कहल हमें मूर्ति के पूजा हो या को शक्तिपीठ में जाकर पूजा हो या अपना घर में पूजा करे हैं लेकिन महिला सबके लिए तो गुंजाइश है अहूठाम अखन महिला के वर्जित कैल गए कि अहम देखिए जो सामान्य रूप में नहीं जाए आप कहीं मैं छूट भले लेकिन पहले बहुत स्ट्रिक्ट जगह रही है तेहन अवस्था में सब एक पूजा के परम्परा शुरू कल एकदम लोक परम्परा शुरू कल आ परम्परा के आधार पर अखन झिझिया विभिन्न ठाम जाइए आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाए लगल है कहीं के परिचय भले जेहन दैत हो लेकिन वो निश्चित रूप में एक हमारा सबके मिथिलांचल के मौलिक संस्कृति है मौलिक एक परम्परा है जो महिला के द्वारा महिला के मैंने बुझू एक आराधना के परम्परा असंख्यक भूर सब कैल गेल माइट के घैला भीतर बत्ती बाल कर एक फन फन नचैत घूमैत गीत गावे वाला ई पुरान संस्कृति नया पुस्ता के बेटी पुतौ सब छोड़ लगला के बाद लोप होब के स्थिति में पहुँचल अगुआ महिला लोकन बतबे छथि। डायन के आधार मान कर ऐ संस्कृति के औजुका दुनिया में निरंतरता देनाई अंधविश्वास बाहेक और किछु नहि होयत मुदा ई नृत्य में प्रदर्शन कैल जाय वाला कलाकृति के रूपांतरित समाज में
परिष्कृत करैत अगाड़ी बढ़लासँ झिझिया नृत्य एखनो लोकप्रिय होयबाक आ समाज एहिसँ मिथिलाके मौलिक परम्परा आ कला संस्कृतिके अवश्य रक्षा होयत से बुझ पड़त। अपन टेलीविजनक लेल कैमरामे संजय शाहके साथमे पूरण शाह, जनकपुर धाम। संघीय संसद सचिवालय के कर्मचारी के बलात्कार के प्रयास आरोप लगने निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा प्रहरी द्वारा पकड़ाल। प्रहरी बालवाटार स्थित सरकारी निवास से रवि के साँझ महरा के नियंत्रण में लेलक। बलात्कार के प्रयास केने आरोप में संसद सचिवालय के पीड़ित कर्मचारी शुक्रदिन महरा विरुद्ध प्रहरी में जाहिरी देने छे। जाहिरी बाद शनि दिन काठमांडू जिला अदालत महरा के पकड़ के लिए अनुसंधान कर अनुमति दिला बाद प्रहरी बालवाटारे से महरा के नियंत्रण में लेलक। महरा प्रहरी के गाड़ी में जाय नहीं मानला बाद पहले प्रयोग करैत आयल निजी सवारी साधन में राखि के सिंह दरबार प्रहरी प्रभाग में लग गेल। महरा विरुद्ध फौजदारी अपराध संहिता अनुसार कार्यवाही बढ़ायल गेल। प्रहरी जनौलक महरा ऊपर आसीन 12 अगस्त राति संघीय संसद सचिवालय के एक महिला कर्मचारी बलात्कार के प्रयास केने आरोप लगौने छल। शुरू में अपना ऊपर दुर्व्यवहार नहीं भेल कहित पीड़ित महिला बयान फेरत आयलो बाद शुक्र दिन महरा विरुद्ध किटानी जाहिर दिला बाद अनुसंधान प्रक्रिया आगा बढ़ायल गेल। वरिष्ठ संचारकर्मी राजेंद्र देव आचार्य के असामयिक निधन भेल। आचार्य के 61 वर्ष के उम्र में इलाज क्रम में शयन करात नॉर्विक अस्पताल में जान गेल। स्वर्गीय आचार्य करे संबंधी समस्या से पीड़ित छला। नेपाल टेलीविजन में 2044 साल से टेलीविजन पत्रकारिता शुरू केने आचार्य पछिला समय न्यूज 24 टेलीविजन में समाचार प्रमुख छला। दू दशक धरि नेपाल टेलीविजन में सेवा केने आचार्य समाचार प्रमुख होइत नायब महाप्रबंधक भऽ कऽ अवकाश प्राप्त केने छला। स्वर्गीय आचार्य के रवि दिन पशुपति स्थित आर्यघाट में अंत्येष्टि कयल गेल। हुनक बेटा के किछु समय पहिने ही अमेरिका में निधन भेल। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। बाकी के प्रसंग संसदीय समिति चीन संग जोड़ल कोरला नाका जल्दी से जल्दी खुलाब के लिए भौतिक पूर्वाधार के काम में तीव्रता देव सरकार के सचेत करौलक। संघीय संसद के विकास तथा प्रविधि समिति ओहि नाका पहुँच वाला बेनी जोमसोम कोरला सड़क खंड के स्थलगत निरीक्षण के क्रम में नाका जल्दी से जल्दी खोल के सड़क लगाए पूर्वाधार निर्माण के काम में तीव्रता देव सरकार के सचेत करौलक। समिति के सभापति कल्याणी खड़का नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 आगाए ई नाका खुलाब पूर्वाधार निर्माण काज तीव्र देव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय आ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देशन दिलिने छ। गरेपछि बन्छ नै बनाउनु पर्छ संरचना चाहिँ अब उतापट्टि बनिसकेपछि हामीले पक्कै पनि बनाउनु पर्छ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ। र मैले अहिले एउटा कुरा के छुटाएँ भने त्यो यो बाटो जसरी बनिरहेको छ कतिपय खोलाहरूमा हामीले पुलको चाहिँ डिजाइन स्टुडेन्ट पनि नभएको देख्यो क्या। यसले हामीलाई फेरि सशङ्कित बनाइराखेको छ। जस्तै बोक्सी खोलो भनेर हामीले देख्यौँ, सुनु खोलो भनेर हामीले देख्यौँ, त्यस्तै गरेर के भन्छ त्यो बेग खोलो भनेर होइन, त्यस्ता त्यस्ता खोलाहरू अरू थुप्रै पुलहरू चाहिँ कोही भन्दै गरेको कोही चाहिँ अब चाहिँ अब म्याद नागिसकेर पनि बन्न नसकेको त्यो कन्टिन्यू बनाउनु पर्ने अवस्था छ। कतिपय चाहिँ डिजाइन स्टुडेन्ट नभएका यी कुराहरूलाई पनि प्राथमिकता दिनु पऱ्यो। र अर्को कुरा तपाईँले संरचना भन्नुभयो, त्यो संरचना यी सबै अब चाहिँ जे जे हामीले चाहिँ अब यहाँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ है भन्ने कुरा देखेका छौँ। यो छिटो बिन्दा छिटो खोल्नको निम्ति अब के कमी कमजोरहरू रहे अब तिमीलाई कसरी हामी समिति होइन आकाशसँग जोडल बेनी जोमसोम कोर्ला सडक निर्माण कार्य सेहो अति सुस्त भेल निष्कर्ष निकालैत देर करैवला ठेकेदार कंपनी के कार्यवाही कर सरकार के निर्देशन दिलक। दशैं में तरकारी के मूल्य एकाएक बढ़ल उपभोक्ता उपराग कलक। अष्टमी के दिन काठमांडू के कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बाजार में पहुँचल उपभोक्ता सब तरकारी के मूल्य एकाएक बढ़ल प्रतिक्रिया दिलक। दशैं में आवागमन ठप भेला बाद व्यापारी सब काठमांडू में तरकारी के मूल्य बढ़ौने पाओल गेल। एम्हर सरकार बाजार अनुगमन के काज में उपस्थिति देखाबा नहीं सकला से सेहो तरकारी फल फूल सहित दशैं के लिए उपभोक्ता के अति आवश्यक रहल वस्तु सब के मूल्य बढ़ाओल गेल। नेपालगंज से जुमला दिस जा रहल जीप रवि दिन सुर्खेत के वीरेन्द्रनगर नगर पालिका राता नंगला में दुर्घटना भेला से एक जना के जान गेल। प्रहरी के अनुसार जुमला हिमान गांव पालिका एक के 25 वर्षक सुरेंद्र कुमार शाही के दुर्घटना में जान गेल। हुनक इलाजक क्रम में जान गेल। दुर्घटना में चालक सहित 9 गोटे घायल भेल जैमे से 2 के अवस्था गंभीर रहल। हेटौड़ा उपमहानगरपालिका 17 राजदेवी में
रवि दिन करेंट लाग दू गोटे के जान गए करेंट लाग और एक गोटे घायल भेल जान के निहार में 55 वर्षक लेखा माया पाराजुली आ हुनक 28 वर्षक बेटा मदन पाराजुली रहल हुनक सबक इलाज के क्रम में जान गेल प्रहरी जनौलक विद्युत प्रवाह भ रहल तार से लेख माया के करेंट लागल छल हुनका करेंट लगला बाद बचाव गेल बेटा मदन आ पुतहु रेणुका के सेहो करेंट लागल छल घायल रेणुका के इलाज भ रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से रवि दिन महाअष्टमी नवदुर्गा भवानी के नौटा स्वरूप में से एक महागौरी देवी के विशेष पूजा कायल जा रहा। महाअष्टमी के दिन मधेश तथा मिथिलांचल के महिला सब द्वारा शक्तिपीठ सब में पोंछ भरल गेल। जनकपुर धाम में दशहरा के रौनक चौक चौक में नवदुर्गा भवानी के भव्य पंडाल निर्माण कायल गेल। ई वर्तमान सभा में कृष्ण बहादुर महरा पकड़ायल। नेपालगंज से जुगला दिश जा रहा जीप दुर्घटना एक के जान गेल 9 गोटे घायल। बेस्ता अपन समाचार एखन लेत हुआ पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।